अब सही है, मेरे बाल जैसे भी हैं। अच्छा, उंगली हटा लो, कसम खाओ कैमरा तो नहीं साफ करना कर दिया कुछ भी नहीं होगा और मुझे भूख लग रही है। ये देखो माशाल्लाह, छुरी से, उल्टी छुरी से कुछ नहीं हुआ, ठीक है, हो गया। रेडी? यस। देखो ना इधर से छांव आ रही है मुंह पे, है ना? ये कह रहा था मैं। क्या करना है? कुछ नहीं करना, ऐसे हो जा। इसमें लाइट अच्छी आ रही है। अब सही है? अब सही है? जैसे रख लो जान। नहीं नहीं, जैसे तुम बोलो, तुम बस कंफी हो जाओ। मैं कंफी ऐसे, मैं मेरे स्पेस, मेरा हाथ भी यहां पे होगा तो ये सही है। ठीक है, आर्म रेस्ट भी है मेरा। अब सही है? हां। ओके, रेडी? यस। 1 2 3 गो। कच्चे का डब्बा में पे बंद अभी किया है तुमने? वो तो तुम्हें लग रहा होगा वहां से बंद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बहुत ही अरसे बाद आज मैं और तलहा बना रहे हैं मेरा फेवरेट खाना, जो है तुम्हारा फेवरेट खाना, अचारी मैक्रोनी, जो मैंने तुक्की में बनाई थी लास्ट वीक, क्योंकि हम लोग गए थे मैनचेस्टर सुपर स्टोर, वहाँ से मैंने डब्बा उठा लिया था और फिर मैंने बनाई कैसे थी कि मैंने हमारे डिनर के लिए, बिकॉज तलहा जो है मेरा डाइट वाला, अभी बहुत मुश्किल से डाइट करता रहता है, तो मैं इसके लिए जो हूँ वो चिकन थाई सो इसी काट के उनको दही और तिक्का मसाला में मैरिनेट कर रख देती हूँ, ताकि मैं बस एयरफ्रायर में तिक्के बना लूँ। तो मैंने कहा कि मुझे बड़ी ही बहुत दिल किया मुझे अचारी मैक्रोनी खाने की, देख के और तलहा वो खाई है। तुमने खाया था उसे? पता नहीं, बट अचारी मैक्रोनी नहीं खाई थी मैंने, लेकिन मज़े के थे ना। हाँ अच्छे, लेकिन मज़े के थे। खैर, तलहा के लिए मैंने कल बनाई थी बिरयानी, और एनी वेज लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैंने अचारी मैक्रोनी बनाई, वो इतने मज़े की बनी, इतने मज़े की बनी कि मैंने पूरा दिन पूरी रात, मतलब आई थिंक मैंने डायरेक्ट कंजेकटिवली कोई 3-4 जब तक ख़त्म नहीं हुई मैं वही खाती रही। एंड मैंने पोस्टर पिक्चर टू माई इंस्टाग्राम, सबने बोला कि बहुत मज़े की रेसिपी बता दें, मैंने कहा मैं रेसिपी प्रॉपरली रिकॉर्ड करके शेयर करूँगी। तो आज हम लोग बना रहे हैं अचारी मैक्रोनी। इट्स सो ईजी, अगर आपने चिकन मैरिनेट की हुई है इसे मैं आपको बता दूंगी, तो इट टेक्स अराउंड 30 मिनट्स, लिटरली 30 मिनट्स टू प्रिपेयर। ओके, और जब तक मैं शुरू करूँ तब तक तलहा एक ये शिमला मिर्च काटेगा। ओके ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ये पूरी शिमला मिर्च ज़ाया हो गई है। ये एक तो मैं मेहनत कर रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ कि स्किल्स कितने अच्छे हैं। जी बिल्कुल। ये मैंने मैक्रोनी उबाल के रखी हुई है, साथ में मैंने 1 टेबलस्पून बटर मिक्स किया है और स्प्रिंग अनियंस हैं, बिकॉज दोनों चीज़ें लास्ट में जाएंगी। ये यहाँ पे मैंने रखा है, लाइक एवरीवन नोज कि मैं ऑयल में कुक नहीं, घी में करती हूँ, तो दिस इज अराउंड 3 टेबलस्पून ऑफ घी। और अब इसमें जाएंगे प्याज जब मेल्ट हो जाएगा। अच्छा जी, अनियंस मैं ये वाली यूज़ कर रही हूँ, डाइस्ड अनियंस, बिकॉज ये सेव टाइम, मैं फार्म फूड से लाई हुई थी, तकरीबन कोई 2-3 के बराबर प्याज डाल रहे हैं इसमें। अच्छा जी, थैंक यू। अच्छा जी, तो ये तकरीबन 1 बड़ा चापा हुआ प्याज या 2 मीडियम या 3 छोटे प्याज हैं, और जब तक ये फ्राई हुए तब तक मैं चिकन दिखाती हूँ। क्या हुआ? मैं बना रहा हूँ ना। ओके सॉरी, अभी ये फ्राई हो रही है। ये क्या है? गार्लिक रोस्ट की थी आज, तो इसे रेगुलर गार्लिक की जिस पर रोस्ट कर है, इसमें तो गार्लिक जानी चाहिए, लेकिन ये मैंने बनाई ऐसे यहाँ कि तो ख़त्म हो गई थी रेगुलर गार्लिक, और कच्ची में डालती हूँ। ये गई, अब मैं चिकन दिखाती हूँ। Don't care. Because it's garlic, isn't it? Yeah,
गार्लिक हल्की सी मैश कर दूँ मैं प्याज में, और जब तक ये प्याज ब्राउन हो रहे हैं तब तक मैं दिखाती हूँ। क्या दिखा रही हो? चिकन। अच्छा, इसका शोर कम हो तो कवर कर देती हूँ मैं। गुड आइडिया, राइट? अच्छा जी, ये है हमारी चिकन, सही है। इसमें मैंने लिया है चिकन थाई। यार बहुत तुम्हारे मुंह पे दिखा रहा है इसकी वजह से। ये है हमारी चिकन, इससे मैंने लिया चिकन थाई। लाइक आई सेड बिफोर कि चिकन वन एवर इफ यू हैव अ चॉइस बिटवीन लेग और थाई, सॉरी ब्रेस्ट और थाई, ऑलवेज यूज थाई। थाई हमेशा बहुत जूसी होता है एंड इट्स वेरी हार्ड टू ओवर कुक थाई। मुझे भी थाई ज्यादा पसंद है, ब्रेस्ट बहुत ड्राई सा होता है। हाँ, थाई इज द बेस्ट ऑनेस्टली। ठीक है जी, तो इसमें मैंने लिया है तकरीबन कोई आधा किलो से कम, मतलब 350 ग्राम थाई मीट, और इसमें मैंने डाला है 2 टेबल स्पून तिक्का मसाला, 1 टेबल स्पून क्रीम, और 5 टेबल स्पून दही जो भी होती है लाइक ग्रीक योगर्ट, वो डाल के मैं इसको सुबह से मैरिनेट करने रखा। मैं सुबह से आई मीन लाइक दोपहर 11 बजे से 11-12 से ये मैरिनेट हो रहा है, और बस अभी इसको हम प्याज फ्राई करके ये डालेंगे इसके अंदर। अच्छा जी, प्याज इतने ब्राउन हो गए हैं लाइक गोल्डन ब्राउन, तो अब हम लोग जो है ये चिकन डाल देंगे इसके अंदर और फिर इसको पकाएंगे। सो चिकन गोज इन, इसको साफ कर देंगे। चिकन को अब जब डाल दिया है तो इसकी मैं आंच तेज़ करूंगी, और तेज़ आंच पे इसको 3-4 मिनट फ्राई करूंगी, फिर पानी डाल के ढक के कोई 20 मिनट्स पकाएंगे इसे। अच्छा, इस पॉइंट पे जब तेज़ आंच पे फ्राई हो गए हैं तब मैं डालूंगी इसके अंदर चॉप टमेटोज, टमाटर का 1/3 कैन। मैंने बिरयानी बनाई थी परसों, उसके लिए यूज़ किए थे मैंने, सो अराउंड 1/2 कप के बराबर होंगे। टमाटर डाल के थोड़ा सा भून के फिर मैं इसमें पानी डाल के इसको पकाने रख रही हूँ। अच्छा जी, इसकी आंच मैं अब हल्की कर रही हूँ और टमाटर डाल के मिक्स कर दिए, और सिर्फ आधा ग्लास पानी डाल रही हूँ मैं इसमें। आधा ग्लास पानी डाल के इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करके फिर मैं इसको रख रही हूँ कवर करके टू कुक फॉर अराउंड 15 मिनट्स। और इसके जो पीस हैं चिकन के, ये जो थोड़े बड़े बड़े लग रहे हैं, ये गल गल के खुद ही मैं जो हूँ ना पकाते हुए इनको छोटा कर दूँगी, बिकॉज़ आई डोंट लाइक हैंडलिंग रॉ मीट, तो आई जस्ट वेट कि मैं कुक करते हुए इनको छोटी छोटी बोटियाँ कर दूँ, इनकी पक के आसानी से अलग भी हो जाती हैं। तो बस इसको ढक के पका रहे हैं 15 मिनट्स के लिए। मैंने बोला था ना कि बोटियाँ बड़ी हैं, तो मैं पकाते हुए करूँगी, बिकॉज मैं कच्चा गोश्त को ज़ोर से तो बोलो ज़ोर से। मैंने भी अभी व्हेन यू वेंट हियर बताई थी कि जो बोटियाँ हैं ना मैं बड़ी छोड़ती हूँ, क्योंकि हम लोग गोश्त वैसे लेके ऐसे आते हैं ना, तो मैं पकाते हुए जैसे सालन पका रही कुछ भी कर रही हूँ, पक्के वैसे भी लूज हो जाती हैं, तो मैं बस ऐसे पीसेस कर लेती हूँ जब गल जाती हैं चिकन। ये वो गोश्त है जो आज मैंने जी मैंने आते ही मैरिनेट कर लिया था। तो चिकन था इसके हमने सॉफ्टी सॉफ्टी पीसेस छोटे छोटे कर दिए, और अब जब ये पानी 10 मिनट के लिए मैंने ढक्कन के साथ गलाया इसे, अब ढक्कन के बगैर 5 मिनट बस पानी थोड़ा सूखे, फिर मैं इसमें बाकी अचार, गोश्त मसाला, पेपर्स, चटनी डाल के आई थिंक उसके बाद 10 मिनट मेरा लाइक रेडी है बस। तो बस इसकी बोटियाँ छोटी छोटी कर रहे हैं हम अभी। डन, रेडी? यस। अच्छा जी, अब जैसे ये तेल इसका ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है, हमने छोटी बोटियाँ भी कर दी थी इसकी, अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स डाल के इसको फुल आंच पकाएंगे 5 मिनट्स के लिए, एंड देन वो मिक्स कर दें। सो 2 टेबल स्पून ऑफ अचार गोश्त मसाला, मैक्रोनी अचार, अचारी गो, क्या नाम है, अचार गोश्त मसाला। अच्छा, शिमला मिर्च डाल दी हमें कटी हुई, इससे क्या हो गया था, कॉर्नर पीस। ठीक है, और फिर हम लोग एक एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए डालेंगे 1 टेबल स्पून ग्रीन चटनी, just because, that's it, 1 tablespoon green chutney, aur bilkul can you cook with chutney? Yeah, we can cook with chutney, cook with anything you like, the world is your oyster. Theek hai ji, ab jab ye pak jayega fir hum isme dalenge thodi si sauce, chaat masala, macaroni, hari pyaz, aur isko mix kar denge, lekin isko hum thoda sa dry karenge pehle, abhi tak ye hamari achari macaroni ki achar ki wo hai, तब तक थोड़े पेपर्स भी गल जाएंगे। शिमला मिर्च बिल्कुल कच्ची जाती है, सॉरी हरी प्याज बिल्कुल कच्ची जाती है,
और जो आखिरी के दो इंग्रेडिएंट्स हैं वो यही हैं, मतलब वी हैव मैक्रोनी और शिमला मिर्च. शिमला मिर्च मैंने बहुत ज़्यादा डाली है क्योंकि आई लाइक दैट एक्स्ट्रा क्रंच, और इसको पकानी बिल्कुल भी नहीं, तो इसलिए इन ये दोनों इंग्रेडिएंट्स जो हैं ये बिल्कुल भी नहीं पकेंगे. तो इसीलिए हम लोग दोनों इंग्रेडिएंट्स को हमें पकाना ही नहीं है, ना मैक्रोनी को पकाना है ना शिमला मिर्च को पकाना है. तो इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को हम लोग बिल्कुल चूल्हा बंद करके डालेंगे अंदर और मिक्स कर देंगे, और बस वन दे रेडी टू ईट. अभी इसका पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, शिमला मिर्च गल जाएगी, और बस दो मिनट का रह गया ये. इसी आँच पर पकाएंगे इसे और फिर टेस्ट टेस्ट करते हैं. इसी आँच तेज है ना, नॉर्मल है, टेस्ट कर लोगे ना, ठीक है. चलो जी सुखाते हैं सर. साथ में थोड़ा सा प्ले टाइम हो रहा है. ओए फ्लफी चिल, फ्लफी को भी खेलना है. फ्लफी फीफी की जो एनर्जी है ना, ओए पकड़ लिया पकड़ लिया. ओए वो शैडो से गई. ओए फ्लफी ऊपर देखो, ऊपर ये क्यूटी. उनको क्या हो रहा है वहां पे, म्याऊं म्याऊं जो कर रहे हैं. फीफी तुम तो खेत चलो जी, फीफी थक गई. बस फीफी क्या ढूंढ रहे हो? चाट मसाला एक्स्ट्रा डालती हूँ ना मैं ऊपर से, थोड़ा एक्स्ट्रा डालती हूँ एक्स्ट्रा. और ये जो है शिमला पिघल चुकी है, बिल्कुल सही बोला है. और ये बिल्कुल एंड में जाएगा, क्रंच क्रंच एंड में चाहिए, क्रंच क्रंच एंड में चाहिए. ये रहा चाट मसाला का, ये रहा चाट मसाला. अब सारी जो है ना, दिस इज द बेस्ट पार्ट, दिस इज कम्प्लीटली ऑप्शनल बट माई फेवरेट पार्ट. ठीक है, चूल्हा बन किया आपने, ये ऐसे लगना चाहिए हिला के, मतलब ऐसे हो, ऐसे तेल बिल्कुल अलग हो गया और लगे नहीं, लेकिन बिल्कुल सालन कंसिस्टेंसी की है. सालन कंसिस्टेंसी, ठीक है. और हमने बोटियाँ भी पकाते पकाते छोटी कर ली हैं, ठीक है जी. अच्छा जी, अब हम लोग डालेंगे इसको ऐसा. प्लीज माई हैंड्स, आई डोंट वांट टू गेट द थिंग डर्टी. ये बाय द वे जब आप लोग पका रहे होंगे इसको, चिकन को गला रहे होंगे, दैट वुड बी द परफेक्ट टाइम टू बॉयल योर मैक्रोनी. मैंने ऑब्वियसली पहले से की हुई है तो, वरना उस वक्त करना इज लाइक आइडियल. चूल्हा बंद है हमारा, अब इसको हम लोग ऐसे मिक्स करेंगे कि गरम गरम जो सालन है मिक्सचर चिकन वाला वो पूरा इसमें अब्जॉर्ब हो जाए. और अभी हम लोग इसका टेस्ट टेस्ट भी करेंगे, लेकिन रेशियो मैंने बिल्कुल ऐसा रखा है कि मैक्रोनी का मतलब आधा पैकेट, और शिमला मिर्च की मैंने दो, तकरीबन डेढ़ दो गड़ियाँ डाली हैं, एक सॉरी हरी प्याज की दो गड़ियाँ डाली हैं, शिमला मिर्च एक बड़ी, और बाकी मैं इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगी जस्ट सो दैट नाम तोलना आसान हो. लेकिन दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक एंड में, वेरी नाइस कलरफुल वेरी चटपटा, जस्ट लाइक अ वाव. बहुत जेंटली हिलाएंगे ताकि टूटे नहीं है, और काम एंड जेंटल. काम एंड जेंटल एग्जैक्टली. और इसके ऊपर जो मैं फेवरेट पार्ट बोल रही थी, पूरा नीचे वाला मसाला मतलब पूरा मिक्स हो सही से, जो कि अब हो चुका है. सो हियर वी गो. अच्छा जी, इसके ऊपर आएगा अब अराउंड 1 teaspoon चाट मसाला एंड 1 teaspoon, लेकिन इससे जो है ना इसको मतलब चार चांद लगता है. चार चांद, 1 teaspoon चाट मसाला, 1 teaspoon जो है लेमन जूस, और इट इज ऑफ मामा से होता है. अब व्हाट आई लाइक टू डू इज ऐड धनिया टू, लेकिन क्योंकि मैं आज भूल गई धनिया, मैंने नहीं डाला बिकॉज मैं ग्रीन ग्रीन से कंफ्यूज हो गई थी. बट प्लीज ऐड धनिया इन द सेम स्टेप एज द हरी प्याज. और क्योंकि अब हमें देर हो रही है, हमें वॉक पर जाना है और 10 बज गए हैं, हमारा डिनर प्रिपेयर हो गया है. सहरी में मैं भी खाऊंगी, इफ्तार में भी खाऊंगी. तलहा की सहरी होती है अंडा पराठा, तलहा की सहरी होती है, तलहा की सहरी होती है अंडा पराठा, लेकिन मैं सहरी में भी खाऊंगी, इफ्तार में भी खाऊंगी, बिकॉज इट इज जस्ट द बेस्ट. चला लूंगा अपना रिकॉर्डिंग. अच्छा पेनल्टी ऑफसाइड. अच्छा आ जाओ.
अच्छा जी, तो ये थी हमारी चारी मैक्रोनी जो कि अब तथा चखने वाला है। चख रहे हो इसलिए, थोड़ी सी रह गई बिकॉज़ मैं खाने के लिए कुछ बचा नहीं है क्योंकि बीच में खाती गई हूँ। बहुत ही मजे का है, आई मीन दिस इज द बेस्ट, मतलब मेरे मुंह में पानी आ रहा है। बट व्हाट डू यू थिंक, क्रंची स्पाइसी, मतलब मैक्रोनी की मैक्रोनी बट लाइक देसी टच, देसी सालन टाइप, अचारी गोश्त टाइप। और अचार गोश्त वैसे ही मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन दिस इज द परफेक्ट फिक्स टू अ क्विक पार्शियल इंडल्जेंट चटपटा मील, क्योंकि बहुत ही मजे का वैसे ऑनेस्टली। सो लेट मी नो व्हेन एवर यू गाइस मेक इट एंड लेट मी नो हाउ इट गोज एंड आई होप यू लाइक दिस रेसिपी एंड इंशाल्लाह वी विल सी यू वेरी सून। आई होप सबका रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा है, ईद कब आने वाली है, हम लोग कल जाएंगे इंशाल्लाह मुफ्ती मैंग के इवेंट में इन मैनचेस्टर, दैट्स गोना बी अ ग्रेट डे इंशाल्लाह। और आई डोंट थिंक रमज़ान में कोई और इतने ज़्यादा ब्लॉग्स आएंगे, लेकिन आई होप कि आप लोग रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा है एंड यू गाइज हैव एन अमेजिंग ईद एंड वी विल सी यू सून। हाफिज़।